तो जैसा कि हम लोग समर स्लैम में देख चुके हैं कि रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर लास्ट स्टैंडिंग मैच में रोमन रेंस उसोस की मदद से जो है ये मैच जीत गया है। बहुत मतलब ताबड़तोड़ मैच हुआ था, तो आज सेम वही मैच हम लोग क्रिएट करने का कोशिश कर रहे हैं रेसलिंग एम्पायर में। सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइटनिंग एंड स्ट्राइक्स। तो कैसे हो आप सब? फिलहाल तो यहाँ ब्रॉक लेसनर मार खा रहे हैं और शायद ये भी रूमर्स आ रहे हैं कि अब ये ब्रॉक लेसनर का आखिरी मैच था WWE में, क्योंकि विंस मैकमैन रिटायर हो चुका है, इसलिए ब्रॉक लेसनर भी अब चला जाएगा। यार सही बताऊं तो सैडली मुझे बहुत बुरा लग रहा है, क्योंकि बीस्ट इनकार्नेट एक वो रेसलर था जो मतलब एक अलग इसकी इमेज थी। मतलब क्या बताऊं यार, इसने अंडरटेकर को इसकी अंडरटेकर की स्ट्रीक को एंड किया था, तो काफ़ी कुछ यार इंटरेस्टिंग था बीस्ट इनकार्नेट का। लेकिन अब सैडली शायद हमें अब ये देखने को नहीं मिलेगा, होप सो ऐसा ना हो। लेकिन फिलहाल तो यहाँ देखो रोमन रेंस की धुलाई हो रही है, अभी यहाँ क्या रिजल्ट आएगा, रोमन जीतेगा या ब्रॉक ये तो पता नहीं, बट फिलहाल बहुत ही ताबड़तोड़ मैच हुआ था समर स्लैम में, ऐसी मैच की उम्मीद नहीं थी। ट्रैक्टर वैक्टर लेके आया था भाई ब्रॉक लेसनर, पूरा रिंग उल्टा दिया था, शायद ऐसा रिंग किसी ने नहीं उल्टाया है अब तक के WWE हिस्ट्री में। तो आप लोग भी कमेंट करके बताओ यार आप लोगों को कैसा लग रहा है अगर ब्रॉक लेसनर वापस नहीं आएगा। फिलहाल तो F5 आ चुकी है हमारे ब्रॉक लेसनर की और ये दिया हमने धमाकेदार F5। वाह, अभी लास्ट में स्टैंडिंग काउंट शुरू हो चुका है और इसके बाद एक और बार F5 की तैयारी और बहुत ही धमाकेदार F5 दे दिया है। अब यहाँ पे रोमन रेंस डाउन है पूरी तरीके से और ये बेबी बुल के ऊपर कूद पड़ा है, भाई कृष्णा है ये, कृष्णा के ऊपर कूद पड़ा है और रोमन रेंस की कंपनी के मालिक। तो फिलहाल लास्ट मैन स्टैंडिंग काउंट 8 तक हो चुका था, लेकिन ब्रॉक लेसनर ने कहा अभी इतना जल्दी भी क्या है। फिलहाल हम रोमन रेंस की पहचान छाप छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। रोमन रेंस बहुत बढ़िया, क्या बात है, रोमन रेंस हमें मारने की पूरी कोशिश मगर कामयाब नहीं हो पा रहे, इस बार हो गया सक्सेसफुल इनका मूव। ये आप बहुत बढ़िया बैली टू बैली सुप्लेक्स दिया, अरे वाव स्पीयर आ गया भाई रोमन रेंस का, बहुत बढ़िया दौड़ते हुए स्पीयर दे दिया इसने हमको। सो फिलहाल आप लोग भी बताओ यार कमेंट करके कैसा फील हो रहा है अब ये रोमन रेंस को देख के कि अब ब्रॉक लेसनर हमें कभी देखने को नहीं मिलेगा WWE में, और ये शायद यार बहुत ही सैड न्यूज़ है, मेरे लिए तो बहुत ज़्यादा सैड न्यूज़ है क्योंकि बीस्ट इनकार्नेट को मैं दिल से पसंद करता था, जब से ये काउबॉय वाले अवतार में आया तब से फेस बन के। मतलब थोड़ा और मैचेस देखने चाहिए थे इसको यार कम से कम एटलीस्ट इस बार तो उसको चैंपियनशिप जिता देते, लेकिन शायद अब बीस्ट चला जाएगा इसीलिए इसको हरवा दिया, जैसे गोल्डबर्ग को रिटायर करने के लिए उसे हरवा रहे थे बार बार, वैसे ही बीस्ट को भी हरवाया गया है, मतलब हार गया है वो डिफीट, ताकि वो अब चला जाए क्योंकि अब उसका यहाँ पे कोई बनता नहीं है आगे सिनेरियो। और शायद ब्रॉक लेसनर भी कह चुका है रिसेंट एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का करके कुछ कि शायद अब वो WWE में उसका कोई मतलब नहीं बनता है रहने का। तो फिलहाल तो भाई देखना है कि क्या ब्रॉक लेसनर का ये बात स्टेटमेंट एकदम सही है या फिर थोड़ा बहुत कसर है इसमें। ओके, तो फिलहाल ब्रॉक लेसनर 1 2 3 4 काउंट हो रहा है, अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर काउंट होता है। अरे बाप रे, ये लो ब्रॉक लेसनर खुद ही नीचे गिर गया, वहाँ पे काउंटिंग चल रही पूरी तरीके से, एंड यस हियर इज योर विनर ब्रॉक लेसनर। तो भाई ब्रॉक लेसनर हमारा जीत चुका है यहाँ पर, लेकिन सैडली अब हमें शायद WWE में ये जीतता हुआ नहीं दिखेगा। तो गुड बाय होमीज़।